नमस्कार, मैं हूं आकाश। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। प्रदेश महासचिव के पिता के दाह संस्कार में पहुंचे कई पार्टियों के नेतागण। आइए बताते चले खबर। उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ थाना अहिरौल क्षेत्र के अंतर्गत शंभूपुरा में हुआ भारतीय समता समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव मनीष प्रजापति के पिताजी भीखूराम प्रजापति का आज दिनांक 12 नवम्बर 2020 को भोर 3 बजे हृदय गति रुकने से देहांत हो गया। जिनका दाह संस्कार दुर्वासा घाट टौस नदी पर किया गया, जहां पर प्रदेश के अलग अलग जगहों से जनसैलाब उमड़ा, जिसमें भारतीय समता समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहिंद्र कुमार, राष्ट्रीय महासचिव लौटन प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष अंबिका प्रसाद प्रजापति, विधानसभा निजामाबाद मीडिया प्रभारी नीरज कुमार, आजमगढ़ मंडल मीडिया प्रभारी पंकज कुमार गौतम, भारत मुक्त मोर्चा के अहिरौल जिला पंचायत क्षेत्र के प्रत्याशी नागेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा, पुजारी समाजवादी पार्टी के हरिकेश नेता, राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी जिला अध्यक्ष रामधारी प्रजापति, बहुजन समाज पार्टी रामजनक डॉक्टर एस के भार्गव समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ से रवि कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट दुर्वासा में इस समय उपस्थित हूँ। आइए मिलते हैं। सर, आपका परिचय? जी, मैं अंबिका प्रजापति, भारतीय समता समाज पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश दुर्वासा धाम टौसा नदी के तट पर हम सभी सामाजिक बंधु इकट्ठा हुए हैं, जहाँ पर हमारे प्रदेश महासचिव माननीय नेता मनीष प्रजापति, जो हमारे भारतीय समता समाज पार्टी के जुझारू कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी हैं, आज सुबह आकस्मिक सूचना मिली कि उनके पिताजी का हृदय गति से निधन हो गया, जिसके कारण यहां पर हजारों की संख्या में अलग अलग पार्टियों से लोग उपस्थित हुए हैं। ये देखकर अच्छा लग रहा है कि लोगों के दुख में लोग इस तरह से शरीक होते हैं और हम सभी लोग आपस में मिलकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और कुछ कहना है सर? बस मैं यही कहना चाहूंगा कि कहीं भी दुख सुख पड़े, लोगों के दुख सुख में हम सभी लोगों को मिलजुल कर शरीक होना चाहिए, साथ खड़े रहना चाहिए, तभी सामाजिकता आगे बढ़ेगी और देश का उद्धार होगा। और देश के उत्थान के लिए हम सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर जब भी कभी इस तरह की घटना हम सुनते हैं तो उनके दुख सुख में शरीक होना अपना जो है दायित्व तो समझते हैं। और मैं यहाँ पे आए हुए सभी सामाजिक बंधुओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं देख रहा हूं कि नेताजी के संपर्क में हजारों लोग जो रहते हैं, आज वो जन सैलाब जो उमड़ा हुआ है, पूरी तरह से ये सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं सामाजिक बंधु होने का यही फायदा मिलता है और वो आप सभी लोगों के सामने नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय रत्नप्पा।